हमारे मसाइल बहुत सारे हैं। एक आम जबान में कुछ अल्फाज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और एक साइकाइट्री के टर्म में अपने अल्फाज होते हैं। हमारे स्टिक में ये होता है कि नहीं, मुझे दिमागी बीमारी कैसे हो सकती है, ये तो दिमागी बीमारी तो एक कमज़ोरी की निशानी है। जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई सिर्फ एक ज़िंदगी का हिस्सा है और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अचीवर बने, तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफजान और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नफ्सियात पर और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुज्तबा साहब, माहिर नफ्सियात हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये मसाइल क्यों होते हैं और इनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप सुनिए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिए कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो कहाँ कहाँ जो है अपनी दे रहे हैं, सुबह क्या रूटीन होती है और शाम में क्या रूटीन होती है? जी, मैं सुबह में गुलाब देवी हॉस्पिटल में आई एम रनिंग द डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री है देयर, और मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ साइकाइट्री का। और शाम में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में आई वर्क एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट देयर। ज़बरदस्त। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा जो मसाइल है साइकोलॉजी के हवाले से, इसकी ज़रा निशानदही कर दीजिए। देखिए, हमारे मसाइल बहुत सारे हैं। एक आम जबान में कुछ अल्फाज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और एक साइकाइट्री के टर्म में अपने अल्फाज होते हैं जिसको हम अपनी बीमारियों के लिहाज से करते हैं। जो सबसे हमारी कॉमन बीमारी है वो उसे हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। वो बिल्कुल आम डिप्रेशन, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, उससे मुख्तलिफ होती है। उसमें इंसान की तबीयत में बिला किसी ज़रूरत के तबीयत में बेजारी, मायूसी आ जाती है। इंसान का काम करने को दिल नहीं करता, जिसम हर वक्त थका थका रहता है, पट्ठों में खिंचाव, स्पेशली यहाँ के पट्ठों में खिंचाव, सर में दर्द, नींद का बहुत ज़्यादा आना या नींद का बिल्कुल ना आना, भूख लगनी बंद हो जाना, हर काम बहुत मुश्किल लगता है और ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी से अच्छा बंदा मर जाए। सो मरने के ख्याल आते हैं, उसके साथ फिर सुइसाइडल आइडिएशन भी आ जाती है, फिर खुदकुशी के ख्याल भी आते हैं। ये हमारी एक बीमारी होती है जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। सबसे कॉमन ये ज़्यादा कॉमन ये होती है। अच्छा, तो इसके जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं वो यही हैं, और अगर आपको इस तरह से फील हो तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी जी, आमतौर पर ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। तकरीबन हम ये कहते हैं कि हर 100 में से 12 अफराद को ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे इस बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं। अच्छा, जब हमारे माशरे में इस तरह के मसाइल आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है इसको शायद कमज़ोरी हो गई है या इसका दिल टूटा है तो इस वजह से इसने सदमा ले लिया, या हो सकता है किसी ने जादू कर दिया हो, तो अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। जी, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे अपने अंदर के स्टिग्मा से। हम इसको पांच लेवल पे, मैं उसको पांच लेवल पे डिवाइड करूँगा। सबसे पहला स्टिग्मा हमारे अंदर होता है, वो हमारा स्टिग्मा ये होता है कि नहीं, मुझे दिमागी बीमारी कैसे हो सकती है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, और ये तो दिमागी बीमारी तो कमज़ोरी की निशानी है। फिर सेकंड हमारे फैमिली के लेवल पे स्टिग्मा होता है कि हम जब किसी को कहते हैं कि नहीं, मैं अच्छा फील नहीं करता, मैं हर वक्त तबीयत मेरी बेजार रहती है, मेरी तबीयत में खामखा चिड़चिड़ापन रहता है, मुझे बगैर किसी वजह के रोना आता है और मैं हर वक्त थकी थकी रहती हूँ, तो वो ये कहेंगे, बहुत सारे लोगों का जवाब होता है, नहीं तुम शाबाश हिम्मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में इतना अच्छा है, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया हुआ है, तुम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। जिस तरह हमारी जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, फिजिकली तौर पे अगर हमें कोई चोट आ जाती है तो हम हॉस्पिटल्स की जाने भागते हैं, लेकिन जो हमें मेंटली इशूज़ आते हैं, मेंटली हेल्थ हमारी जो है इफ़ेक्ट करती है, लेकिन हम सिर्फ जाते नहीं अनलकीली। जी बिल्कुल नहीं जाते, और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर ये है कि हम इसको बीमारी समझते नहीं हैं। दिमाग भी जिस्म का उज़्व है, जिस तरह दिल, मैदा, जिगर जिस्म का उज़्व है, और उसमें अगर कोई मसला आ सकता है, इस तरह दिमाग में मसला आ सकता है, क्योंकि दिमाग का काम सोचना होता है। तो जब दिमाग के अंदर कोई मसले आते हैं और केमिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इंसान की सोच का तरीका गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और उसको खुद से इंसान ठीक नहीं कर सकता। जिस तरह आप किसी भी मैदे की बीमारी को खुद से या जिगर की बीमारी को खुद से ठीक नहीं कर सकते, तो वो उस सूरत में आपको दवाई की या आपको इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है।
इंसान एज अ स्टूडेंट जब मायूस हो जाता है, ना खुश रहता है अपनी स्टडीज़ में, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का जो है प्रेशर होता है, थोड़े से नंबर कम आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि सुसाइड तक मामला चले जाता है। तो आप उन स्टूडेंट्स के हवाले से क्या हमें अवेयर करेंगे? देखिए, हमें दो बातें समझनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर थोड़े भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को इस सिचुएशन में ले जाते हैं जहाँ पे वो अपने खात्मे के बारे में सोचने शुरू कर देते हैं या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनमें जेनेटिक तौर पे, जीनियाती तौर पर उनके अंदर ये बीमारी मौजूद होती है, और जब कोई स्ट्रेस बहुत बड़ा आता है तो बीमारी खुद ब खुद नमूदार हो जाती है। यानी कि ये बचपन से ही होता है, जैसे पैदा होते जिस दिन वो पैदा होते हैं उस दिन उनके जीन्स के अंदर ये बीमारी मौजूद होती है। ठीक है, और जब स्ट्रेस आता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता तौर पे वो बीमारी जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाती है। अच्छा सर, हमने देखा है कि कुछ गरीब लोग भी होते हैं लेकिन बाहिम्मत होते हैं और वो अपने आप को बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बना लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी थिंकिंग के। लेकिन कुछ अमीर लोग, अमीर फैमिलीज़ भी होते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बस कंपटीशन की दौड़ में लगे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि सुसाइड्स कर लेते हैं। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, इस पर किस तरह से इंसान को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग की आपकी लाइफ बनाती है, आपको बनाती है। तो कितना ज़रूरी है साइकोलॉजिकली तौर पे जो स्टूडेंट है अपने आप को मैनेज करे और आगे बढ़े और पॉजिटिव रहे? देखिए, एक बात को हमें समझना है कि जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होंगी तो वो लोग जो कि इस बीमारी की तरफ, जिनका जीनियाती तौर पे उस बीमारी की तरफ उनकी रगबत होगी, वो बीमारी उनके अंदर से बाहर आ जाएगी। तो हमारे लिए मेन फोकस ये होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रेसफुल ना बनाएं। हमारे क्योंकि हमारे वक्त के साथ हम आबादी बहुत ज़्यादा है और सीट्स और स्लॉट्स बहुत थोड़ी होती हैं, तो अचीवमेंट की दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ गए, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रेस डेवलप होने शुरू होती है कि आपको अचीवमेंट्स के बगैर, और हमें ये कहा जाता है कि अगर आपने इतना स्कोर ना किया तो ये तो बिल्कुल स्कोर लूज़र और इस तरह की चीज़ें जब कहते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली एक दबाव का शिकार रहते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। जब आप लंबा अरसा ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं और आपके अंदर जीन्स के अंदर आपकी बीमारी मौजूद होती है, तो वो बीमारी बाहर आ जाती है और वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करती है बल्कि आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को भी तबाह कर देती है। सर, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मायूस हो चुके हैं और सुसाइड की जानिब बढ़ते हैं, उनको एक वन लाइनर आप मैसेज दें? देखिए, एक बात हमें समझनी है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना है। वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से गुजारता है, जिसमें पढ़ाई एक हिस्सा है उसकी ज़िंदगी का, वो सब कुछ नहीं है। जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई सिर्फ़ एक ज़िंदगी का हिस्सा है और अचीवमेंट, पढ़ाई में अचीवमेंट सिर्फ कुछ लोगों को अचीव होगी और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अचीवर बने, तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस आ जाता है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए हर एक चीज़ के। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखेंगे, स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखेंगे तो आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके अचीवर जो है वो बन जाएंगे। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू अफजाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।